जी जी सर, हो जाएगा आपका बकरा, पहले दिन ही कर देंगे। जी जी बेफिक्र हो जाएं, प्रोफेशनल कसाई हैं, बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ भाई, कितनी बुकिंग हो गई है, तेरा चेहरा जो है ना कैसा खुशी से भिनभिना रहा है, चर्बी निकाल के। बॉस पहले दिन की 30 और दूसरे दिन की 25। ओहो, हेलो, प्रोफेशनल कसाई सर्विस। अरे यार, तुम्हें पहले भी बोला है कि हमारे फिक्स रेट हैं, 30,000 से 1 रुपया कम नहीं लेते हम। अरे भाई, क्यों दिमाग की दही बना रहे हो? बॉस, एक कस्टमर बोल रहा है थोड़ी डिस्काउंट दे दो, 28 में काट दो बैल हमारा। अगर रख फोन। अबे कितनी बार तुझसे कहा है कि ये डिस्काउंट वाले जो कंगले हैं ना, इनको मुंह मत लगाया कर। अबे इतने में तो तू 2-3 बैलों की और बुकिंग कर सकता था चर्बी निकाल के। अबे खामखा में टाइम खोटी कर रहा तू। कसाई भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझ पर रहम फरमाइए। भाई, मेरी कुर्बानी की बुकिंग कर लीजिए। अबे तू रो क्यों रहा है, हो जाएगी कुर्बानी चर्बी निकाल के। भाई, आपके रेट बहुत ज्यादा है, मैं गरीब आदमी, 5,000 में मेरा बैल गिरा दे। बशीर, एक काम कर, तू जरा इसको पकड़, वो जो हमने नए लौंडे भर्ती किए ना, उनको लगा दे इसकी खाल उतारने पे, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पकड़ जरा इसको। भाई मुझ पर रहम खाओ, मैं गरीब आदमी हूँ, मौजूदा महंगाई ने मेरी पहले ही खाल उतार रखी है। अबे मैं कह रहा हूँ दफा हो जा, वरना मैंने खाल उतार देनी है, सही कह रहा हूँ मैं, चर्बी निकाल के। अबे बशीर, तू कहाँ जा रहा है, तू तो यहाँ। एक्सक्यूज मी, भाई ये बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है? जी फरमाइए। मैं यहाँ बुकिंग के लिए आई हूँ, पर मुझे पता चला है कि आपके रेट्स तो ट्रीट वन से भी हाई हैं। और धर्मा, एक बात बताइए, आप कितने पैसे दे सकती हैं चर्बी निकालोगे? देखिए, बेल लेने के बाद मेरे पास 5,000 रुपए बचे हैं, 2,000 का तो चारा आ जाएगा, बाकी बचे 3, तो मैं आपको 3,000 दे सकती हूँ। मैडम, आप गलत जगह पे आ गई हैं, जाके ना किसी मैकेनिक से अपना बैल कटवा लीजिए, हम 30,000 से 1 रुपया कम नहीं लेते। अबे तुम पागल हो गया, तुझे तो लेडीज से बात करने की भी तमीज नहीं है। अबे ये आप मुझे बताइए कि आपको अपना बैल कब कटवाना, पहले दिन या दूसरे दिन चर्बी निकाल के? सबसे पहले महीने में सुबह मेरा बैल गिरना चाहिए। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप ही का बैल गिरेगा चर्बी निकाल के, और हाँ, आपकी बोटियां भी उसी वक्त कर दूंगा मैं। सुनिए, आप एक काम कीजिएगा, ये मेरा ना ये विजिटिंग कार्ड रख लीजिएगा, इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर ना अपनी तस्वीर, मेरा मतलब है कि बैल की तस्वीर भी उसमें आप भेज दीजिएगा। अरे अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाहर बोर्ड पर आपका PTCL नंबर था ना, वो मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर ईद पे मिलते हैं। अबे बात सुन, तू बड़ा हंस रहा है, अबे तूने बोर्ड पे वहाँ PTCL का नंबर लगाने की जरूरत क्या थी है? लड़कियां बिदक गई ना। अबे क्या हो गया भाई? भाई मर गए। अबे कौन मर गया? अबे कहां FBR का छापा पड़ गया क्या? क्यों रो रहा तू भाई? खत्म हो गया, सब काम खत्म हो गया, हमारी दुकानदारी बंद होने वाली है, हम लुट गए। क्या कह रहा है तू? दुकानदारी अबे छुरियां मैं समेट ले गया। भाई वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन वाले हैं ना, वो जो हर रोज हड़ताल पे चले जाते हैं, भाई इस दफा ईद पर उन्होंने इंसान के बजाय बैल काटने का फैसला कर लिया है, और वो भी सिर्फ 5,000 रुपए में। बॉस ये तो परेशानी की खबर है। अबे हम प्रोफेशनल कसाईयों का क्या मुकाबला? अबे जद्दी पूछती है, हमारी अम्मा ने ना छुरी पे शहद रख के ना हमको चटाया था, कोई बात होती है? कमाल हो रहा है यार। अभी देखना किसी का फोन आ गया होगा बुकिंग के लिए, उठा जियो। प्रोफेशनल कसाई सर्विस जी, आपको किस दिन की स्लॉट चाहिए? पहले और दूसरे दिन की स्लॉट तो बुक हो चुकी है। बुकिंग करवानी नहीं है, कैंसिल करवानी है। जब 5,000 में बैल कट रहा तो 30,000 में क्यों कटवाए खामखा? ओ भाई, हमारी बुकिंग कैंसिल कर दो। प्लीज हमारी बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। बॉस, उस हाथों के अलावा सबने बुकिंग कैंसिल करवा दी। बॉस बॉस, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमें तो कोई और काम भी नहीं आता, अब क्या करेंगे बॉस? क्यों घबरा रहा है तू? आ गई बात भेजे में।
डोंट वरी। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? बस तुम देखना, मरीजों की लाइन लग जाएगी। वो देखो, मरीज खुद चल के आ रहा है। वो आ रहा है, आ गया। डॉक्टर साहब, मेरे गुर्दों में मसला हो गया है, मेरे गुर्दों में पथरी हो गई है। इस साथ वाले क्लिनिक वाले ने 2 लाख मांग लिए। मैं गरीब आदमी 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? 2 लाख? हम यही काम तुम्हारा सिर्फ 30,000 में कर देंगे। 30,000 में? सिर्फ 30,000 में? गुर्दों में अगर पहाड़ भी होंगे ना, वो भी हम निकाल बाहर करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। मैं तुम्हें जरा चेक कर लूँ और तुम भी तैयारी पकड़ो, ठीक है? ठहर जाओ, यहाँ है ना तुम्हारे गुर्दे? हाँ, गुर्दे खास से शायद मैंने पथरियाँ बाहर आ रही हैं। अच्छा, ठहर जाओ, ये हाँ, ओहो खांसी जान है। दांत खोलो, हाँ दांत है, दांत, दांत, हाँ दांत दिखाओ। ओ भाई 4 दांत है, थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है? बंद कर दो भाई, बस ठीक है। अब आ जाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी आओ, लेट जाओ, लेट जाओ। ये कहाँ लिटा रहे डॉक्टर साहब? बिल्कुल घबराओ मत, चुप कर जाओ, आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे नरखरे के बराबर एक नस है, उसको दबाऊंगा और तुम बेहोश हो जाओगे। अब सर्जरी का सामान जल्दी बाहर निकालो, दोनों गुर्दे निकाल लें और उसके बाद गुर्दे दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। करना क्या है मालूम है? बॉस ये तो मुझे खुद याद नहीं, उसने पथरी का कहा था या गुर्दे निकालने का। एक काम करते हैं, गुर्दे निकाल के उसको दे देते हैं, पथरी वो घर जाके खुद निकाल लेगा। बिल्कुल ठीक बॉस। लाओ बोतल, आ बोतल।